हम लोग अब तक डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं। अगर कोई फंक्शन किसी भी डोमेन में डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डेरिवेटिव फंक्शन ढूंढ लेते हैं। डेरिवेटिव फंक्शन ढूंढने का जो डेफिनेशन है वो तो कहता है कि किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना हो तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, इस तरह से डेरिवेटिव फंक्शन ढूंढना है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन हम लोग अब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते वक्त फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग एक टेबल बना लिए हैं एलिमेंट्री फंक्शंस का, x टू दी पावर n का, साइन कॉस टैन, कुछ रूल्स बना लिया है, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, और हम लोग फटाफट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हम लोग इतने इस फंक्शन का उपयोग क्या है। तो इस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मतलब देखें क्या है। हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं द यूज ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें छोटा छोटा सारा बात सब को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये एफ प्राइम एक्स जो है वो एक्चुअली में स्लोप रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। एफ प्राइम एक्स मतलब df by dx लिखा है, दिस इज df, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय ड्यू टू इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। आप x के वैल्यू को चेंज करते हैं, आप फंक्शन के वैल्यू में कितना चेंज हुआ वही पता लगाते हैं, उस रेशियो को कहते हैं द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। जो ज्योमेट्रिकली देखिएगा तो वो टेंजेंट का स्लोप देता है आपको उस स्थान पे। अगर फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो df by dx एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर कहीं x के बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू घटेगा तो df नेगेटिव नंबर हो जाएगा और स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर हम किसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव फंक्शन निकाल लें और इस फंक्शन का साइन स्कीम बना लें, यानी ये पता लगा लें कि स्लोप कब कब पॉजिटिव रहता है। जैसे इस चित्र में देखिए, अगर x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एक ग्राफ x इक्वल टू अल्फा तक हर जगह स्लोप नेगेटिव है, x इक्वल टू अल्फा पे स्लोप अपना साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव से जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, अब x इक्वल टू बीटा तक हर जगह स्लोप पॉजिटिव है, आखिर बीटा ऑनवर्ड्स में। तो अगर हम एक साइन स्कीम बना लें इस डेरिवेटिव फंक्शन का, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक डेरिवेटिव का वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालिएगा नेगेटिव नंबर आएगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव। इसका साइन स्कीम से आपको क्या जानकारी मिलता है, अगर कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ऐसे मान लीजिए वो ये फंक्शन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट सम पॉइंट से एक्स वन एंड एक्स टू, तो जब हम एफ एक्स का साइन स्कीम कहते हैं कि बनाइए, तो आप एक्चुअली उन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं जहां फंक्शन x एक्सिस को कट करता है। जैसे x1 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का वैल्यूज पॉजिटिव है, आप समझेंगे कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, x1 से x2 के बीच में फंक्शन का वैल्यूज नेगेटिव है, आप समझेंगे कि वो x एक्सिस को कट करके नीचे आ गया, आप फिर x2 को कट करके जब जब साइन चेंज होगा, मैंने x एक्सिस को कट कर रहा है नीचे, लेकिन इसका साइन स्कीम साइन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग स्वभाव का है,
फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये जानकारी निकलता है। और अगर हम एक सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन बनाए और उसका साइंस टीम बनाए, सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन एक्चुअली डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जैसे इस पॉइंट से आप इस पॉइंट गए, एक्स का वैल्यू बदला, स्लोप घट गया, फिर और घट गया स्लोप, यानी एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है स्लोप घट रहा है। तो वैसे स्थिति में अगर ग्राफ को ध्यान से देखिए, स्लोप घट रहा है तो ग्राफ का जो कनकेविटी है इसको कनकेविटी बोलते हैं। ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट है। यही अगर यहां से वहां तक देखिए तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है। तो ग्राफ इस इंटरवल में देखिएगा, कोई एक पर्टिकुलर स्थान है जिसके इस तरफ ग्राफ कनकेव अपवर्ड मूवते हैं और उस पॉइंट के ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड हो गया है। तो आप यहां से वहां तक किसी भी पॉइंट पे जहां जहां भी ग्राफ आपको कनकेव अपवर्ड दिखे उस सब जगह समझिए कि स्लोप जैसे जैसे इंक्रीजिंग एक्स दिशा में जा रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है। यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइंस की अगर हम बनाते हैं तो जहां जहां जिस इंटरवल में भी सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा आपको समझना है कि वहां ग्राफ कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड माने ऐसा जब ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अपवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल ले हम वाई बराबर एक्स क्यूब, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकेंड डेरिवेटिव निकाले और तीनों फंक्शन का साइन स्कीम बनाते हैं। इसका साइन स्कीम जीरो से पे चेंज होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। यानी इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्स एक्सिस को कट करेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। इस तरफ उसका ग्राफ नीचे होगा, उस तरफ ऊपर चला जाएगा। ये पता चला, ये ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसका स्लोप हर जगह पॉजिटिव है, यानी ये लगातार इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा नहीं पता, लेकिन अब इसका साइन स्कीम बनाते हैं। जैसे हम यहां पे स्लोप हर जगह पॉजिटिव स्लोप है, कहीं नेगेटिव नहीं हुआ है, नेगेटिव होता तो नीचे आता, लेकिन दो पॉइंट के बीच में अगर पता भी है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है कनकेव अपवर्ड कि ऐसे इंक्रीज कर रहा है कि ऐसे 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 कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड। तो सेकेंड डेरिवेटिव का जो साइन स्कीम है इसका साइन स्कीम दिख रहा है कि पॉजिटिव साइड में इसका वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप के बदलने का दर पॉजिटिव, यानी स्लोप बढ़ रहा है। जैसे यहां पता चला ना आपको कि फंक्शन बढ़ रहा है, यहां पता चला कि एफ प्राइम बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा इस तरफ, कनकेव डाउनवर्ड। इस तरह का ग्राफ होता है एक्स क्यूब, कनकेव अपवर्ड और नेगेटिव साइड में कनकेव डाउनवर्ड। कि तीनों फंक्शन का जो साइन स्कीम है उससे हम बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाते हैं ग्राफ के बारे में।